पोहरी थाना प्रभारी ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत समसपुर रोड से 5 वर्षीय बालिका को दस्तायाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। खबर पोहरी से आ रही है। पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहां पुलिस इन दिनों लगातार क्षेत्र में मुस्तैद होकर हर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान बुधवार को भ्रमण के दौरान समसपुर रोड पर थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन को एक 5 वर्षीय बालिका खड़ी हुई मिली, जो नाम पता बताने में असक्षम थी। जहाँ पुलिस की कार्यकुशलता के चलते पूछताछ के बाद पता चला कि उक्त बालिका जटवारा अपनी बुआ के घर कथा में आई हुई थी, जो परिजनों से बिछड़ गई थी। जहां थाना प्रभारी ने परिजनों का पता लगाकर बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया। थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन सहित पुलिस बल की कार्यकुशलता के चलते ऑपरेशन मुस्कान के तहत बालिका को दस्तायाब कर सुपुर्द किया। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इलाका गश्त के मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 वर्षीय अबोध बालिका समसपुर रोड के किनारे खड़ी हुई है। तो उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मैं फोर्स के पहुंची थी। वहां जाकर तस्दीक की तो पता चला कि यह बालिका सीपरी से अपनी बुआ के घर ग्राम जटवारा कथा में आई हुई थी, जो आज किसी तरह से गुम हो गई थी, जिसको परिजनों को बुलाकर और तस्दीक कर उनके सुपुर्द की गई ऑपरेशन मुस्कान के तहत। यही मामला था। सुमन पति का नाम बता बताओ। धर्मेंद्र, अच्छा कहाँ रहती हो? जटवारा जी। कौन है आपकी भतीजी? भतीजी है। इसका घर कहाँ है? सीपरी रहता है। सीपरी रहते हैं। कब से आई है आपके पास? कल आई है। अच्छा, इसके मम्मी पापा का नाम? राजीव और रानी। वे कहाँ रहते हैं सीपरी में? कहाँ रहते हैं? सरिया की दुकान पर। सगी भतीजी है क्या? सगी है जी। कैसे आ गई यहाँ? कल होना खत्म था बचाई बुलाइए पोरी गए सामान ले। तुम नवा दीजिए जा, मैं ला रही हूँ सामान पहुँच। मैंने नवा रही कपड़ा ये घूर पे जरा ठीक है। अगर आवश्यकता लगेगी तो बुलवाएंगे आपको। ठीक है, बच्ची को लेके आना है ना, इसको अच्छे से ले जाओ।